भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने हरियाली वाटिका से लेकर संजय प्लेस तक बीजेपी के विरोध में पर्चे बांटकर अपना विरोध जाहिर किया। साथ ही यूपीपीसीएल भविष्य निधि घोटाले पर भी कांग्रेसियों ने जमकर हल्ला बोला। उत्तर प्रदेश जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा योगी और मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला गया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सरकार के सबका साथ सबका विकास को सबका विनाश बताया। देश की बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था और बेरोजगारी के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार के विरोध में सड़कों पर पर्चे भी बांटे। ये भाजपा द्वारा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर आर्थिक लूट मचाई जा रही है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही और बेरोजगार लोगों को किया जा रहा है, और व्यापारियों को जिस तरीके से GST और उस पर अधिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस ने आज जन अभियान चलाया है। और मैं समझता हूँ कि ये जन अभियान निरंतर चलता रहेगा। 15 तारीख तक पर्चे बांटे जा रहे हैं और उन पर्चों के माध्यम से ही जनता को जागरूक किया जा रहा है। जो भाजपा ने 5 साल में जो देश का बुरा हाल कर दिया है, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन, जन आंदोलन छिड़ा है पूरे देश में, और उसी के आधार पर ये पर्चा अभियान है। लोगों को जगह जगह दे करके हम बता रहे हैं उनको कि किसानों की बर्बादी किस तरह से की, व्यापारियों की बर्बादी किस तरह से की, और अभी हालत और है। अभी RECP जो वो थी, अब उसका राहुल गांधी ने विरोध किया था, उसको उन्होंने वापस ले लिया। इस तरह के कई मुद्दे हैं जिनको हम पब्लिक को बता रहे हैं। आज कांग्रेस सड़क पर उतरी है और सड़क से सदन तक पहुंचेगी। जिस तरीके से ये अत्याचार किसानों पर, बंद करो, काला धन लाने वाले सफ़ेद धन ले गए, जिस तरीके से महंगाई को ले के आज हम सड़कों पर उतरे हैं। हम चेतावनी देते हैं इन पर्चों के माध्यम से कि भाजपा सरकार सुधर जाए, अन्यथा सदन और सड़क पर हम घेरेंगे। दक्षिणांचल विभाग के कर्मचारियों के साथ जो यूपी उस संबंध में कल हमने पुतला भी फूंका था, और श्रीकांत शर्मा का जब तक हम विरोध करेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस दौरान UPPCL में हुए भविष्य निधि घोटाले को लेकर ऊर्जा मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा गया। किसानों की बदहाल स्थिति के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रदर्शन को सड़क से लेकर संसद तक ले जाने की बात भी कही है। अनिल कुमार, C News, आगरा।